प्रियंका चोपड़ा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2003 में मूवी द हीरो से की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई अंदाज और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 2004 में इनकी मूवी आई प्लान और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई किस्मत और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई असंभव और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई मुझसे शादी करोगी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इस साल की इनकी अंतिम मूवी आई ऐतराज और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। अगले साल 2005 में इनकी मूवी आई ब्लैकमेल और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई करम और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई वक्त और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई बरसात और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। इस साल की इनकी अंतिम मूवी आई ब्लफ मास्टर और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। अगले साल 2006 में इनकी मूवी आई क्रिश और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई आपकी खातिर और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इस साल की इनकी अंतिम मूवी आई डॉन और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 2007 में इनकी मूवी आई सलामे इश्क और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई बिग ब्रदर और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। अगले साल 2008 में इनकी मूवी आई लव स्टोरी 2050 और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई गॉट टू सी ग्रेट हो और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई चमकू और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई द्रोण और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई फैशन और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। इसी साल की इनकी अंतिम मूवी आई दोस्ताना और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। अगले साल 2009 में इनकी मूवी आई कमीने और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई व्हाट्स योर राशि और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। अगले साल 2010 में इनकी मूवी आई प्यार इम्पॉसिबल और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई अनजाना अनजानी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। अगले साल 2011 में इनकी मूवी आई सात खून माफ और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल की इनकी अंतिम मूवी आई डॉन 2 और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 2012 में इनकी मूवी आई अग्निपथ और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई मेरी कहानी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इस साल की इनकी अंतिम मूवी आई बर्फी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। अगले साल 2013 में इनकी मूवी आई दीवाना मैं दीवाना और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई जंजीर और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई क्रिश 3 और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। अगले साल 2014 में इनकी मूवी आई गुंडे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। इसी साल की इनकी अंतिम मूवी आई मैरी कॉम और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 2015 में इनकी मूवी आई दिल धड़कने दो और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। इसी साल की इनकी अंतिम मूवी आई बाजीराव मस्तानी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 2016 में इनकी मूवी आई जय गंगाजल और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2019 में इनकी मूवी आई द स्काई इज पिंक और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इस तरह मैंने प्रियंका चोपड़ा द्वारा की गई सभी मूवीज के बारे में आपको बता दिया। प्रियंका चोपड़ा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।